أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم मैं अब कायम मुकायम सदर इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ को इब्तदाई कलमात की दावत देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त मुआब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब, काबिले तकरीम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ, मेहमान गिरामी अस्सलाम अलैकुम। मेरे लिए ये अमर अंतहाई सद इफ्तिखार है कि आज हमारे दरमियान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मौजूद हैं, जिन्होंने 2019 में मारगला डायलाग के पहले एडिशन का इफ्तिताह किया था। और ये इंतहाई आप हमारे लिए बामुसर्रत मौका है कि आपने इस बार भी आके हमारी हौसला अफजाई की। मारगला डायलाग एक ऐसा मुकालमा है जिसमें तहकीकी अमूर और स्कॉलर्स इनकी एक नशिस्त होती है, और इस नशिस्त में हमने इस मरतबा 4 ज़ैली मुकालमों का इंतज़ाम किया है। ये मुकालमे इकबाल के उस शेर की मुजस्सम तजसीम हैं कि जहान ताज़ा की अफकार ताज़ा से है नमूद। मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़ में जहाँ के आइडियाज़ ने, नज़रियात ने, रवायात ने जंग लड़नी होती है, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट बाकी तमाम थिंक टैंक्स की तरह एक हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। और मुझे अंतहाई बायस इफ्तिखार ये चीज़ है कि हम 50 तहकीकी सिफारिशात पॉलिसी साज इदारों को दे चुके हैं, क्योंकि हमारी प्योर एकेडमिक रिसर्च नहीं है। हम ये तमाम रिसर्च लेटेस्ट डेटा साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ब्रुएकार ला के कर रहे हैं, और इसके लिए वसाइल हमें नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की सरपरस्ती इसमें हासिल है। हमारे इस मारगला डायलॉग की जो आइट्रेशन है, इसके पहले दिन 2 सेशंस होंगे। फर्स्ट सेशन में कारोबारी अमूर और नई जो माहौल है उसके जो दरपेश चैलेंजेस हैं जो कारोबारी क़्यादत को पाकिस्तान में, उसका डिस्कशन होगी। और उसके बाद जो दूसरा मुकालमा होगा वो जंगी हालात, बदलते हुए एनवायरनमेंट और हरबी और तजवीराती जो हिकमत अमली है उसमें क्या तब्दीलियां आ रही हैं, और टेक्नोलॉजी कैसी तब्दीलियां ला रही है, और क्या अस्करी क्यादत को दरपेश चैलेंजेस हैं। दूसरे दिन हमारा पहला मुकालमा डिप्लोमेट सिफारतकारी के चैलेंजेस पे है, जिसमें खित्ते की बदलती हुई सिचुएशन, इंटरनेशनल जो अलायंसेस हैं उसमें जो सिफारतकार हैं हमारे, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हमारी सिफारतकारी कैसे बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी की तरफ ऑप्शंस दे सकती है। और आखिरी हमारा जो सेशन है वो स्कॉलर्स पे होगा कि इस दुनिया में बैनुल अक्वामी लेवल पे जो मुआशी नाहमवारियाँ हैं उसका इंसानी सलामती पे क्या होता है। बिकॉज आज तक हमने नेशनल सिक्योरिटी की नोशंस तो पढ़ी हैं, मगर जो ह्यूमन सिक्योरिटी या इंसानी सिक्योरिटी है उसको पहली बार हमने कोशिश की है कि इस फोरम में डिस्कस करें। और आखिर में मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, हमने एक काविश की है जिसमें अफ़गानिस्तान पे जितना काम हुआ है जो यूनाइटेड स्टेट्स के विड्रॉल के बाद, उस सारे काम को हमने एक किताबी सूरत में जमा किया है। और ये इश्तराक हमारा पीएम ऑफिस नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न के साथ हुआ है, जिसमें डॉक्टर मोईद यूसुफ की हमें डायरेक्शन हासिल रही है। सो आज हम वो किताब आपको प्रेजेंट करेंगे, और अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है जो एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और जो तजवीराती तब्दीलियाँ हो रही हैं सलामती के, उस पर बहुत सी जहतें हैं, उस पर भी
हमारा मुकालमा जो है बाद में काम करेगा, और जितना इस पर ये काम होगा उसको हम ये किताबी सूरत में पब्लिश करके पॉलिसी साज इदारों की तरफ हम उसको भेजेंगे ताकि इस सारे मुकालमे का मकसद हो, हासिल हो। तो आखिर में मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से जो तहकीककार हैं, जो एक तहकीक के मैदान में मुजाहिद हैं, क्योंकि आज तक आजकल आइडियाज़ और नैरेटिव की जंग है, जो डिटेल तहकीक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बुरेकार ला के तहकीक करने से ही हमारा मैसेज जा सकता है। तो इन तमाम चंद मारूजात के बाद मैं दरख्वास्त करूँगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईज़ यूसुफ से कि वो तशरीफ लाएँ, अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, डिग्निटरीज पाकिस्तानी और एंड फॉरेन डिग्निटरीज, आई वेलकम यू ऑल। अज़ीम साहब, मैं आई विल बी वेरी ब्रीफ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इपरी इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक फिनोमिना है। आप एक थिंक टैंक की तकरीब से आज खिताब नहीं कर रहे। मैं ये फिनोमिना आपको एक्सप्लेन इस तरह करूँगा कि जब आपकी हुकूमत आई, जब हमने ये चीज़ देखना शुरू की, तो यू विल रिमेंबर आपका एक फोकस था कि दुनिया तब्दील हो रही है, हम स्टेटस को में फंसे हुए हैं। किसी भी हुकूमत के पास, किसी भी पब्लिक सेक्टर सिस्टम के पास दुनिया में ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो ख़ुद से तमाम तहकीक करे, तमाम डेटा को एनालाइज करे और फिर वो पॉलिसीज़ बनाए जो किसी मुल्क को जिसकी ज़रूरत होती। बट हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये कल्चर नहीं रहा कि यूनिवर्सिटीज़ से, थिंक टैंक से रिसर्च करा के और प्रोसेस की जाए सिस्टम के अंदर, बल्कि सिस्टम में कुछ रिलक्टेंस रही है बाहर से इनपुट लेने के लिए। सो हमने जब ये देखना शुरू किया, आपके दफ्तर के साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसको आप हेड करते हैं, उसमें एक एडवाइजरी बोर्ड है, उसमें गवर्नमेंट के जितने भी थिंक टैंक्स हैं वो शामिल हैं, लेकिन जब हम आए तो वो बिल्कुल डोमेंट था। तो पहली चीज़ तो हमने ये की कि हमने उसको रिवाइव किया, और इपरी उसका हिस्सा है, उसमें इस्लामाबाद स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट है, इस्लामाबाद रिसर्च स्टडीज़ इंस्टीट्यूट है, NDU है वगैरह, उसको हमने रिवाइव किया, उससे तहकीक करा के इनपुट लेना शुरू की। और फिर हमें समझ ही आई फ्रेंकली कि इतने थिंक टैंक्स हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है पॉलिसी मेकिंग से। फिर हमने उन सब को इंगेज किया, और आपको याद होगा पिछले साल इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग पे आपने इनॉग्रेट किया था एक थिंक टैंक पोर्टल। तमाम जितने पाकिस्तान के बड़े थिंक टैंक्स हैं अब वो हमने लिंक कर दिए हैं पॉलिसी मेकिंग से, इस बात को तस्लीम करते हुए कि किसी भी हुकूमत के पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो ये सारा काम खुद करे। इपरी का मैं इनकी टीम को भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, ये नाम तो मेरा ले रहे हैं, फ्रेंकली काम ये सारा खुद करते हैं, और ये आपका थिंक टैंक है बिकॉज इट्स लिंक टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। डेढ़ साल पहले ये दुनिया की रैंकिंग्स में एग्जिस्ट नहीं करता था। आज इपरी पिछले साल जो इस 2021 की रैंकिंग्स आई हैं उसमें नंबर 74 पे है इन गवर्नमेंट अफिलिएटेड थिंक टैंक्स अराउंड द वर्ल्ड, और ये पाकिस्तान का हाईएस्ट रेटेड अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त थिंक टैंक है। और दो चीज़ें हमने इसमें की हैं, पहले तो रादर देन राइटिंग लॉन्ग पेपर्स रिसर्च, वो भी ये करते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल टारगेटेड फोकस रिसर्च शुरू की है कि किस मिनिस्ट्री को, किस इदारे को क्या ज़रूरत है, डिमांड ड्रिवन। उसमें हमारे सिविल भी और अस्करी इदारे भी शामिल हैं, सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ, कुछ अस्करी इदारों के साथ, इस्लामाबाद पुलिस के साथ इन्होंने बहुत काम किया है टू हेल्प देम जो भी उनकी ज़रूरियात थी डेटा बेस्ड और एविडेंस बेस्ड रिसर्च के लिए। दूसरी बड़ी चीज़ जो यहाँ हम कर रहे हैं, और ये आप इस पर बहुत फोकस करते हैं, सो आई वॉन्ट टू इफ़ आई मे जस्ट टेक वन सेकेंड इन इंग्लिश फॉर अ फॉरेन गेस्ट इज़ वेल। पाकिस्तान हैज़ वन पेरिनियल इशू। सिंस 9/11 वी हैव बीन कैरेक्टराइज्ड वेरी वेरी अनफेयरली एज ए डेंजरस प्लेस, एज ए प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स शुडंट गो। ए नेगेटिव माइंड सेट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड अबाउट पाकिस्तान, and IPRI has done a lot of work now to present in very cogent terms what Pakistan's story is, and we have a real story to tell. But Zain sahab, the honest truth is, aur ye main aapse bahut baat kar chuka hu,
हम कभी अपनी स्टोरी प्रोजेक्ट नहीं कर सके बिकॉज हमारी रिसर्च डेटा बेस्ड एनालिसिस बेस्ड नहीं रही. सो आज इपरी जो है इनका एक बड़ा फोकस उस स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पे है जो तहकीक के बुनियाद पे, डेटा की बुनियाद पे पाकिस्तान के असल पोजीशन क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, ये जियो इकोनॉमिक पैराडाइम उसमें जो मैं बहुत सी आपको अपडेट्स देता रहता हूँ उसमें इपरी का बहुत सा रोल है. और आज जो आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे इस किताब की किताबचे की रूनुमाई के लिए, ये अफ़गानिस्तान का वो पर्सपेक्टिव है जो हम बंद कमरों में तो बात करते हैं लेकिन आज तक एक जगह पे व्हाट इज़ पाकिस्तान स्टोरी ऑन अफगानिस्तान वो आज तक नहीं आया. इसकी एक पूरा एक किताबचा आप देखेंगे, इसमें पाकिस्तान की सैक्रिफाइसेस क्या हैं, वेस्ट की क्या पोजीशन थी पाकिस्तान के ऊपर, विक्टिम पाकिस्तान असल विक्टिम है इस सारी चीज़ का, ये 1980 से लेके आज तक हमारा क्या नैरेटिव है ये इस किताबचे में मौजूद है. दोहा पीस प्रोसेस में हमने क्या किया, हिंदुस्तान का क्या रोल है, ये ड्रोन स्ट्राइक्स, ये वो तमाम बातें हैं जो पॉलिसी मेकर्स तो करते हैं बट आज तक एक जगह नहीं आई थी. लेट मी जस्ट एंड बाय आल्सो सेइंग कि आज एक और बड़ा इनिशिएटिव इपरी ने जो लिया है, इपरी विल हैव द लार्जेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान. आपको मालूम है हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है सारी दुनिया में लाइब्रेरी से अब हमारा ताल्लुक नहीं रहा. सो किताबें पढ़ने से ताल्लुक नहीं रहा, जो तहकीक होती है यूनिवर्सिटीज़ में वो भी गूगल पे होती है. सो अब हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है पूरी जिसकी बेसिस पे ये सारों को एक्सेस होगी, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, पब्लिक को, टू गेट एक्सेस टू एनी पब्लिकेशंस एंड बुक्स. सो आखिर में मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. आई वॉन्ट थैंक एवरीबडी उज हेयर फॉर अ फॉरन गेस्ट, वील डू अ समरी ट्रांसलेशन आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर लीव्स, बट विद the hope के इपरी वो काम करता रहेगा जिसके लिए इपरी खड़ा किया गया है. बट ऑल्सो फॉर अ फॉरन गेस्ट, यूज़ द इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट एज ए पार्टनर फॉर जॉइंट वेंचर्स, जॉइंट रिसर्च ट्रैक टूज, बिकॉज दिस इज वन ऑफ पाकिस्तान प्रीमियर थिंक टैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस. सर, इफ़ आई मे रिक्वेस्ट यू, अगर मैं आपको किताब प्रेजेंट कर दूँ एंड देन इट्स ओवर टू यू. मोहित यूसुफ आपको, ब्रिगेडियर साहब आपको, पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ. और ये जो इपरी इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको मैं बड़ी एक खुशाइन तरीके से देखता हूँ क्योंकि हमारी बदकिस्मती से जो हमारा मुल्क जिस तरह इवॉल्व हुआ और हमने इसकी सारी स्टेजेस देखी हैं, इतनी उम्र है मेरी कि मैंने इसकी सारी, जब ये एक बड़ी तेज़ी से एशिया में ऊपर जा रहा था और एक्सपेक्टेशंस थी कि ये मुल्क वो बनेगा, जो एक किताब थी द एशियन मिरेकल, उसके अंदर पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि ये एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है. और फिर हमने इसकी जो जवाल भी देखा कि वो मुल्क जिससे जो सब कॉन्टिनेंट में सबसे आगे था सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, 1990 तक पाकिस्तान सबसे आगे था और फिर हमने सबसे पीछे जाते देखा. सो इसकी मैं अगर कई वजूहात हैं, मेन वजूह जो वजह कि हम अपने पोटेंशियल पे नहीं जा सके वो मैं एक ही चीज़ पे पॉइंट आउट करता हूँ, रूल ऑफ लॉ. जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, फ़र्क इन कौमों में रूल ऑफ लॉ है. अगर आप गरीब मुल्कों को देखें तो गरीब मुल्कों की वसाइल की वजह से, ना होने की वजह से गुरबत नहीं है. रूल ऑफ लॉ क्रिटिकल चीज़ है जिसकी वजह से एक माशरे में सिविलाइजेशन भी आती है, मेरिटोक्रेसी आती है, ऊपर आता है और फिर डेमोक्रेसी भी उसी मुल्क में प्रॉस्पर करती है जिधर रूल ऑफ लॉ है. अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो आप इलेक्शन करवाएं तो वही वॉर लॉर्ड्स और ताकतवर और क्रिमिनल्स ऊपर आ जाएंगे. तो प्री कंडीशन डेमोक्रेसी की होती है कि रूल ऑफ लॉ हो, वो रोकता है इस तरह के क्रिमिनल्स को ऊपर आने के लिए. और ये जो करप्शन है ये एक सिम्टम्स है रूल ऑफ लॉ ना होने के लिए. तो और सारी भी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो पीछे करप्शन की वजह से है और करप्शन एलीट की.
तो मैं इसलिए इसको वेलकम करता हूँ कि जिस जो चीज़ लैकिंग है हमारे मुल्क में वो है रिसर्च, और रिसर्च की जो सबसे बड़ी खूबी होती है ओरिजिनल थिंकिंग आती है एक माशरे में। वो आप ओरिजिनल थिंकिंग ला ही नहीं सकते जब तक आपके पास रिसर्च ना हो और फिर वो डिबेट करके अपने थॉट प्रोसेस को आगे लेके जाएं। जब आपके मुल्क में रिसर्च नहीं होती तो फिर आप सेकेंड हैंड नॉलेज बाहर से आती है, आप किसी और लोग आपको डिफाइन करते हैं बजाय आप अपने आप को डिफाइन करें। तो ये क्लासिक केस है ये जो आपने अभी किताब मुझे दी अफगानिस्तान की, कि वो मुल्क जो सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज था अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका के साथ शिरकत करने की, उसी के ऊपर सारा नज़ला गिर गया कि वो इसलिए नहीं कामयाब हुए क्योंकि पाकिस्तान की वजह से वो कामयाब नहीं हुए। और वो मुल्क जो इतनी कुर्बानी दी उसने इस जंग में शिरकत करके, किसी मुल्क में 80,000 लोग कैजुअल्टीज़ नहीं हुई जिन्होंने अमेरिका की अलायंस में शिरकत की, किसी मुल्क में इस तरह के 30-40 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड नहीं हुए, और जो इकॉनमी का लॉस हुआ वो ओवर 100 बिलियन डॉलर्स था। लेकिन उसके बावजूद आप पिछले 10-15 साल के अखबार उठा के देखें, 12 साल के जो भी मगरब अखबार होता था किसी ने पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं दिया इसका, बल्कि बदनामी हुई कि डबल गेम खेल रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, जबकि गलतियां सारी वो कर रहे थे और वो सारा स्केपगोट पाकिस्तान बन रहा था। और क्यों पाकिस्तान में हम इसको सही माने में जवाब नहीं दे सके, क्योंकि यहाँ कोई मुझे नज़र ही नहीं आए कि कोई लीडरशिप को कोई थिंक टैंक कोई फीड कर रहा है, कोई बताए कि पाकिस्तान का इसमें कैजुअल्टी तो पाकिस्तान बन गया था इस जंग की। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान जिताएगा इनको जंग, और पाकिस्तान खुद अपने आप को बचा रहा था जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की तबाही में थी। लेकिन वो बहुत ही, मैं अगर कहता हूँ, हमारा बड़ा ही ब्लीक पीरियड था, हमारे लिए बड़ी ह्यूमिलिएशन थी कि हम साथ भी दे रहे हैं, हम अपने आप को एलाय भी कह रहे हैं, वो एलाय हमें बॉम्बिंग भी कर रहे हैं, हमारे लोग भी मर रहे हैं, फिर ब्लेम भी हमें कर रहे हैं और कह रहे हैं हम आपको एड दे रहे हैं, और वो एड मिनिस्क्यूल थी जो कि नुकसान हुआ इस मुल्क को। लेकिन बिल्कुल ये भी हमारा बहुत बड़ा एक क्या मैं कहूँ कि एक खला थी, एक वैक्यूम था कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल लीडरशिप मिलनी चाहिए थी जो इस चीज़ को ऊपर लेके आती वो भी नहीं थी। यहाँ मुल्क भी बट गया दो लोगों के अंदर, एक अमेरिका के अगेंस्ट खड़े हो गए और एक प्रो अमेरिका खड़ा हो गया पाकिस्तान के अंदर जो छोटी सी क्लास थी। तो हम बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया में प्रोजेक्ट ही नहीं कर सके। और इसी तरह अगर आप आगे चले जाएं तो ये सारा जो इस्लामोफोबिया दुनिया में, ये सिर्फ हमारा कसूर नहीं है, मुसलमान दुनिया के अंदर देखें किधर हैं वो थिंक टैंक्स जो कि जवाब देते कि टेररिज्म और इस्लाम का क्या चक्कर है, इनकी क्या कोरिलेशन है। कोई भी दुनिया के अंदर किसी भी मज़हब, कोई भी मज़हब इजाज़त नहीं देता दहशतगर्दी की। मुसलमान कैसे इस्लाम और टेररिज्म इकट्ठे हो गए 9/11 के बाद? इस्लाम तो एक ही है, रेडिकल ह्यूमन कम्युनिटीज़ में रेडिकल्स होते हैं, मॉडरेट्स होते हैं, लिबरल्स होते हैं, लेकिन दीन का तो इससे कोई चक्कर नहीं। दीन तो है क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन। तो कोई भी ये सही माने में सारी दुनिया में जो ख़ास पर मगरब में मुसलमान रहते थे उनको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस दौर में, और कोई भी मुसलमान दुनिया की लीडरशिप से कोई रिस्पांस नहीं आया। और अभी भी मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान कर रहा है इस वक्त, जो हिंदुस्तान को वो डेमोक्रेसी भी कहते हैं और उसके साथ कोई वेस्टर्न मुल्क उसको कोई तनकीद नहीं करता जिस तरह की हरकतें कर रहा है हिंदुस्तान, अब जो कश्मीर में कर रहा है, आप सोच लें कि जो कश्मीर में अगर ये और कोई मुल्क कर रहा होता तो कितना शोर मचना था। तो इसमें भी फिर मुसलमान दुनिया में अगर हमारे थिंक टैंक्स होते कम अज़ कम इसको उठाते इस चीज़ को, तो वो भी हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि जिस तरह की रेसिस्ट गवर्नमेंट आई हुई और जिस तरह की फैशिस्ट पॉलिसियाँ उसकी जो वो अपनी माइनॉरिटी से कर रहे हैं और ख़ास तौर पर फिर से जो वो कश्मीर में कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मुसलमान दुनिया में ऐसे
थिंक टैंक्स नहीं हैं जो कि प्रोजेक्ट कर सकें इस चीज़ को। मैं ये भी समझता हूँ कि जो आपने नेशनल सिक्योरिटी की बात की, नेशनल सिक्योरिटी हम सब जानते हैं कि सिर्फ अब तक हम सारी कॉन्सेंट्रेशन हमारी मिलिट्री के ऊपर थी, बट एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी ऑल इनकम्पसिंग चीज़ है और इसके अंदर कभी भी नेशनल सिक्योरिटी आपकी हो ही नहीं सकती जब तक एक इंक्लूसिव ग्रोथ ना हो। कोई भी मुल्क सिक्योर नहीं हो सकता जिधर अगर छोटा सा तबका अमीर होता जाए और जो नीचे लोग हैं वो पीछे रह जाएं। कोई मुल्क सिक्योर नहीं होता उससे, बल्कि वो भी मुल्क सिक्योर नहीं होता जिधर एक इलाका डेवलप हो जाए या दो तीन शहर डेवलप हो जाएं और बाकी जो 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 मुल्क है वो पीछे रह जाए या सूबा पीछे रह जाए। ये हमेशा ये होता है इंतशार का कॉज। आपके मुल्क के अंदर जब भी वायलेंस होती है कि कोई लोग खड़े हो जाते हैं, वो इसलिए होते हैं कि अनइक्वल डेवलपमेंट होती है, नाइंसाफ़ी होती है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी का ये भी बहुत बड़ा इशू है कि हम इक्विटेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे कर सकें, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और फिर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इसके ऊपर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी आपकी इसके ऊपर तवज्जो हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप हाईलाइट करें कि ये जो हमारा ये थ्री टीयर्ड सिस्टम बन गया है, ये देखें ना, अगर हमारे पास सही थिंक टैंक्स होते, रिसर्च होती, तो इसके ऊपर तो कोई कमेंट करता कि थोड़े से बच्चों को आप इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दे रहे हैं, फिर उर्दू मीडियम है, फिर दीनी मदरसे हैं, और फिर हम समझते हैं कि इसका फॉलोआउट नहीं आएगा पाकिस्तान में। हम जब ये इंतहा पसंदी देखते हैं तो इसके पीछे तो जाएँ। जब इंतहा पसंदी होती है, एक छोटा सा वो जो दो तरफ आ गया ना, एक तरफ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन आ गया, बीच में उर्दू मीडियम और इधर दीनी मदरसे, तीन पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं। और ये जब हम मैं जब पढ़ता था तो चार पांच इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, बाकी सारे उर्दू मीडियम थे। वो बजाय हम उसको कलोनियल एजुकेशन सिस्टम को ठीक करते हैं, हमने और उसके अंदर डिस्टॉर्शन ले आए। अब लैंग्वेज स्कूल्स बन गए इंग्लिश मीडियम, जिनकी जिनके अंदर भी तबके हैं, और वो जो उर्दू मीडियम जो इंटेलेक्चुअल प्रोड्यूस करता था वो और उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल नीचे चला गया है। और फिर तीसरी तरफ जो दीनी मदरसे हैं, किसी ने नहीं सोचा कि उनको कॉप्ट करें अपने नेशनल, इन नौकरियां इनको कैसे मिलेंगी, किसी ने ये नहीं सोचा। तो ये जो सिस्टम इसलिए हुआ कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कभी भी रिसर्च नहीं हुई उन चीज़ों के ऊपर। हम सेकेंड हैंड रिसर्च के ऊपर गुजारा करते रहे, जो बाहर से आ जाता था उसे सब मान जाते थे कि जी हाँ जी ये तो वो फलाने इंग्लिश अखबार में लिखा गया तो ठीक होगा। अमेरिका में थिंक टैंक्स पाकिस्तान के ऊपर कह रहे हैं कि जी द मोस्ट डेंजरस प्लेस और ये और वो, हमारा कोई जवाब नहीं आ रहा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम एक ऑल इनकम्पसिंग नेशनल सिक्योरिटी की बात करें। और इस तरह का जो आपका थिंक टैंक है मोहित, ये स्टार्ट है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान में और भी इस तरह के क्वालिटी के थिंक टैंक्स बने जो कि फिर कम्पीट करें एक दूसरे से, पता चले कि कौन बेहतर रिसर्च कर रहा है, किसकी ज़्यादा अच्छे पेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दुनिया में कौन उसकी क्रेडिबिलिटी किसकी है। और तब जो हमारा नेशनल नैरेटिव है वो फिर हम सही माने में लोगों के सामने रख सकेंगे। ये जो 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 मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, और ये आपसे नहीं, ये मैं पिछले 30-40 साल से देख रहा हूँ। एक्चुअली वो जो सलमान रुश्दी की जो किताब निकली है उससे उसके बाद ये ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि बाहर के लोग और बाहर के मीडिया, बाहर के थिंक टैंक्स हमारे एक्सट्रीम्स के ऊपर कॉन्सनट्रेट करके तो सारे माशरे को रंग देते हैं उन एक्सट्रीम्स से। मैं जब पहली दफ़ा इंग्लैंड गया तो वहाँ ये रेसिस्ट होते थे, उनको स्किन हेड्स कहते थे। तो स्किन हेड्स जो भी एशियन मिलता था तो उसको पकड़ के मारते थे, उनको बुरा भला कहते थे और उन सबको पैकीज कहते थे। तो मैं अगर सारे इंग्लैंड को, उन स्किन हेड्स को जो वो हरकतें कर रहे थे इंग्लैंड में पाकिस्तानियों और इंडियंस के खिलाफ, उनको बेस बना के सारे इंग्लिश माशरे को अगर मैं डिफाइन कर देता तो वो भी बड़ा एक्सट्रीम माशरा होना था। हालांकि जो इंग्लैंड का माशरा है प्रॉब्ली सबसे, जितने भी मैंने देखे हैं, बड़ा लिबरल माशरा है,
लेकिन आप किसी भी माशरे के एक्सट्रीम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें तो आप उसको बड़ा बुरा भला कहेंगे। तो हमारा तो डिफाइन ही होता था यहाँ, हमारे यहाँ कई सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो बाहर से जर्नलिस्ट आता था उसको ये बताते थे कि यहाँ कोई बहुत बड़े कोई फंडामेंटलिस्ट की कोई एक होर्ड्स आने लगी है टेक ओवर करने के लिए। मैं सारी दुनिया में फिरा हूँ, मैं समझता हूँ कि इस माशरे में सबसे ज़्यादा मैंने लोग जेनरस, हॉस्पिटेबल, बड़े हमारा जो दीन है उस जो आम लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट है वो इतना पॉजिटिव है। हमारी स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम है, बड़ी सिविलाइज्ड सोसाइटी है, ये नहीं कि चैलेंजेस नहीं हैं, लेकिन ऑन द होल वो है। लेकिन हमारे भी एक्सट्रीम्स हैं और हमारे एक्सट्रीम्स की बहुत बड़ी वजह ये है कि हमने ये अनजस्ट एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं किया, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है तीन किस्म की पैरेलल सिस्टम्स, जो कि फिर एक दूसरे को जिनका कनेक्शन ही कोई नहीं है। जो एक सिस्टम है वो जो एक एक्सट्रीम है वो जो इंग्लिश मीडियम है उनको काफिर कहता है। तो कभी किसी ने ये नीचे सोसाइटी में स्टडी नहीं किया। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिसर्च करें, अपना ओरिजिनल थॉट लेके आएँ, अपने मुल्क को हम डिफाइन करें बजाय हमें कोई बाहर से डिफाइन करें। और जितना जितना आपकी टैंक्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी उतनी हमारे लिए दुनिया में आसान होगा कि अपने आप को पाकिस्तानी को डिफाइन करें। और सबसे जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं। मैंने क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन ज़्यादा है, जब भी इस तरह की कैंपेन्स चलती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो उनके ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त गुजरता है, ख़ासतौर पर उनके बच्चों के ऊपर जो कि वहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं, वहीं बड़े हुए हैं। तो ख़ुद भी वो पाकिस्तान आते हुए घबराते हैं क्योंकि इतना बुरी पाकिस्तान की पिक्चर पेंट की जाती है। तो मोहित, फिर से ये जो आपने अफ़गानिस्तान में किताब कंपाइल की है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अल्लाह ने हमें बड़ा बचाया। मुझे तो बड़ा खौफ था कि अगर वहाँ प्रोट्रैक्टेड सिविल वॉर हो जाती है अफ़गानिस्तान में तो वो सारा मुझे नज़र आ रहा था जो उनके मीडिया में भी कि सारा ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर आना था, जबकि पाकिस्तान हम जिस तरह हम कहते हैं कि सबसे बड़ा अफ़गानिस्तान की जंग का कोलैटरल डैमेज था। थैंक यू जी।